हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच जो ट्राई सीरीज चल रही है, उस ट्राई सीरीज के 7th मैच की मैच प्रेडिक्शन, यानी कि फाइनल मैच की मैच प्रेडिक्शन, जो कि होगा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और ये मैच खेला जाएगा 8 जुलाई की दोपहर 1:30 बजे भारतीय समय अनुसार, और ये मैच होगा जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में। तो आइए, ये जानने से पहले कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों में से कौन सी टीमें मैच जीतेगी, हम सबसे पहले नज़र डालते हैं दोनों टीमों की गेंदबाजी के ऊपर और देखते हैं किस टीम की गेंदबाजी ज़्यादा मजबूत है। तो सबसे पहले अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास केन रिचर्डसन, मार्क स्टोइनिस, बिली स्टैनलिक, एंड्रू टाय, स्वेप्सन, एस्टन एगार जैसे बॉलर्स हैं दोस्तों। वहीं अगर मैं पाकिस्तान की गेंदबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास मोहम्मद आमिर, हसन अली, शादाब खान, फहीम अशरफ, उस्मान, शाहिन शाह अफरीदी और शहजादे फहीम जैसे गेंदबाज है दोस्तों। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूं तो मेरा मानना है कि गेंदबाजी में पाकिस्तान का पल्ला भारी है ऑस्ट्रेलिया से। और अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो मैं 55 दूंगा पाकिस्तान की गेंदबाजी को और 45 दूंगा ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी को। अब आइए दोनों टीमों की बल्लेबाजी पर नज़र डालते हैं और देखते हैं किस टीम की बल्लेबाजी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास एरन फिंच, एलेक्स कैरी, डर्सी शॉट, मार्क स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, ट्रेविस हेड, निक मेडिसन जैसे बल्लेबाज हैं दोस्तों। वहीं अगर मैं पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, हैरिस सोहेल, फ़कर जमान और उनके विकेट कीपर सरफराज अहमद हैं। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ दोस्तों तो मेरा मानना है कि भले ही गेंदबाजी में पाकिस्तान का पल्ला भारी हो ऑस्ट्रेलिया पे, लेकिन बल्लेबाजी में तो ऑस्ट्रेलिया का ही पल्ला भारी है, क्योंकि उनके पास T20 के एक से एक गेम चेंजर बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के पास। तो अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो मैं 65 दूंगा ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को और 35 दूंगा पाकिस्तान की बल्लेबाजी को। अब आइए इस पर नज़र डालते हैं कि मैच कौन जीतेगा, मुझे क्या लगता है। तो ये मैच होगा जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में, पर मैं बैक करूँगा ये मैच जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को। जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी आराम से और ये त्रिकोणीय श्रृंखला अपने नाम कर लेगी फाइनल जीत के। लेकिन मैं अगर चांसेस की बात करूँ तो 65% चांसेस है ऑस्ट्रेलिया के मैच जीतने के और 35% चांसेस है पाकिस्तान के मैच जीतने के। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरी मैच प्रेडिक्शन की वीडियो है इसको मैं 100% सही होने की गारंटी नहीं दे सकता, इसको मैं 90-95% सही होने की गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया नहीं पाकिस्तान जीतेगी तो आप पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी मैच प्रेडिक्शन की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो इन दी एंड आपको मैच प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगी। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, इन्जॉय लाइफ।